नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के लिए शिवराज सरकार एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। एक बड़ी खुशखबरी उन लाखों लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी चाहते हैं। जेल प्रहरी के 282 पदों के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने नियुक्तियां निकाल दी है। दरअसल ये नियुक्तियां इससे पहले भी निकाली गई थी, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले उसे निरस्त कर दिया गया था। जुलाई में आवेदन निकाले गए थे 282 पदों के लिए जेल प्रहरियों की, लेकिन जब ये आवेदन, इसमें तकरीबन 3 लाख से ज्यादा ऐसे आवेदन करता थे जिन्होंने आवेदन दिया था परीक्षा के लिए, जिन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन परीक्षा निरस्त हो गई। तो ये सभी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि ऐलान कब होता है नई तारीखों का, और अब वो तारीखें आ गई है। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 11 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक जेल प्रहरी के 282 पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। 17 दिसंबर को बस परीक्षा नहीं होगी, बाकी सभी दिन परीक्षाएं होंगी। और इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि जुलाई में जो आवेदन जिन्होंने दिया था वो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे तमाम आवेदनकर्ता। जुलाई में जब ये परीक्षाओं के लिए आवेदन निकला था तो उस वक्त 3 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था इन 282 पदों के लिए, लेकिन किन्हीं कारणवश जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई थी। और उसके बाद मध्य प्रदेश में एक सियासत में तूफान मच गया था, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना था कि ऐन वक्त पे जो परीक्षाएं निरस्त की गई है, दरअसल इससे ये संकेत मिलते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से व्यापम जैसा एक घोटाला हो रहा है, क्योंकि ये परीक्षाएं भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी जो पहले व्यापम के नाम से जाना जाता था वही आयोजित करवा रहा है, और इसीलिए इस पर उंगलियां खड़ी की थी कांग्रेस ने। लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है, खुद गृह मंत्री ने इसकी जानकारी दे दी है, तारीखों की घोषणा कर दी है, और अब 11 से लेकर 24 दिसंबर तक 282 पदों की जेल प्रहरियों की पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित होने जा रही है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा आवेदनकर्ता शामिल होकर के सरकारी नौकरी पाने का जो उनका सपना था उसे पूरा कर सकेंगे।